किसी गांव में एक गरीब किसान था। वह कड़ी मेहनत करता लेकिन उसके जीवन से गरीबी खत्म नहीं हुई। दुखी व्यक्ति ने एक संत को अपनी समस्या बताया। संत ने कहा, मैं तुम्हें सभी समस्याओं का हल तुम्हारे घर जाकर बताऊंगा। अगले दिन संत किसान के घर पहुंचे। उस समय किसान घर पर नहीं था। किसान की पत्नी ने संत का स्वागत किया। कुछ ही देर में किसान भी वहां आ गया। किसान के साथ ही उसका पालतू कुत्ता भी था। कुत्ता बहुत थका हुआ था। संत ने किसान से पूछा कि क्या तुम्हारा खेत यहाँ से बहुत दूर है? किसान ने नहीं मैं जवाब दी, खेत तो पास ही है। इसके बाद संत ने कहा, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों साथ साथ आए लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नहीं है जबकि तुम्हारा कुत्ता बुरी तरह थका हुआ है। किसान ने संत से कहा, गुरुजी मेरा कुत्ता रास्ते में दूसरे कुत्तों पर भौंक रहा था, बार बार दौड़कर उसकी ओर जा रहा था, दूसरे कुत्तों से लड़ाई कर रहा था, किसी तरह इसे खींचकर घर लेकर आया। मैं तो सीधे अपने रास्ते आया लेकिन कुत्ता इधर उधर भागने की वजह से ज्यादा थक गया। संत ने कहा, ऐसी स्थिति हमारे साथ भी होती है। हम दूसरों की ओर ध्यान देते हैं, अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम को देखते हैं, अपनी गलतियां खोजते हैं। हम एक लक्ष्य बनाकर काम नहीं करते हैं, बार बार अलग अलग चीज़ों के लिए हमारा मन भटकता है, इसी वजह से हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। जीवन में सफलता और सुख चाहते हैं तो दूसरों की चीज़ों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, बस अपना काम ईमानदारी से करें, गलत चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान करेंगे तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। दूसरों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें अतिरिक्त परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।